इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो जी, भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बहुआ, मेरे साथ नंद किशोर भैया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भैया। वीक ऑन वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का, समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो, अरे क्या चल रहा है? हैं क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, एक सवा मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा उठा। मेरे को शामिल नहीं हुआ भाई साहब, एक मिनट। भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है, करें करें। आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी, नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं। जी, नाचीज को बहुआ जी। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं, नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। एक सेकंड, जो जिम जाते हैं मतलब उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोज मंगाएंगे वो भी बिना चीज के। पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज के। पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज, सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ समझे आप, नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? इनका नाम क्या बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत मेहरा है भाई साहब? क्या चल रहा है? गलत मत बोल बैरागी जी। चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर। वाओ, सिर्फ 100 रुपए में आईटी रिटर्न्स भर के। वाह, दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिमपारी कुंजी कहती है गाइस, रेड एफएम से रॉकिंग। ये सफलता की कुंजी है, शिमपारी नहीं, शिमपारी रेड एफएम से रॉकिंग नहीं, रेड एफएम बजाते रहो। बढ़िया है जी।